सो दिस हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस इन अ व्हाइल नाउ. सो इसी से शुरुआत करते हैं. व्हेन विल प्रेरणा हैव अ किड? आई डोंट नो, मुझे कोई गट फील नहीं आ रही. मैंने यूनिवर्स से भी पूछा है कि अगर कुछ ऐसा है, इफ़ दिस इज़ द राइट टाइम, प्लीज़ टेल मी. बट यूनिवर्स ने, भगवान ने, किसी ने भी रिस्पॉन्ड नहीं करा है. दिस माइट साउंड फनी टू फ्यू, बट मैंने सच बताऊँ अपनी लाइफ के डिसीजंस ऐसे ही लिए हैं. व्हेन इट वॉज प्रोफेशनली डिसाइड करना टू स्विच टू फैशन या फिर क्विट माई जॉब एंड परस्यू अ करियर इन यूट्यूब, सब कुछ गट फील आई, दिल ने कहा कर लिया. आई वॉज 25 ईयर्स ओल्ड व्हेन आई डिसाइडेड कि मुझे वैभव से शादी करनी है, विच इज़ प्रिटी अर्ली फॉर मी और मेरी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस भी. बट गट फील आई, दिल को लगा दिस इज़ द गाय, वेट करने का कोई सेंस नहीं बनता. आई जस्ट टुक द डिसीजन. नाउ व्हेन इट कम्स टू हैविंग अ चाइल्ड, मुझे कोई गट फील ही नहीं आ रही. और 2020 में, इफ़ यू रिमेंबर, देयर वॉज अ फेज लाइक एवरी वन वॉज हैविंग अ बेबी. सो आई आस्क्ड वैभव, वैभव आर वी डूइंग समथिंग रॉन्ग, शुड वी हैव अ चाइल्ड? बट वैभव ने भी बोला आई डोंट नो प्रेरणा, जब भी होगा ऑफकोर्स यू गाइज विल नो, बट एज ऑफ नाउ आई हैव लेफ्ट इट ऑन द यूनिवर्स. मुझे पता है वो मुझे सही जगह ले जाएगा. The answer to this question as of now would be a no. क्योंकि मुझे नहीं पता ऐसा कौन सा gap है जो मेरी clothing line या कोई और business भी अगर मैं start करूँ वो उसको bridge कर पाएगा. जैसे मैं आपको example देती हूँ, जब मैंने YouTube शुरू किया था तो मुझे ऐसा लगता था हमारे Indian YouTube scenario में एक gap है, especially when it comes to ethnic wear. I felt my videos can bridge that gap. एज ऑफ नाउ क्लोदिंग बिजनेस में या एक्सेसरीज बिजनेस में मुझे ऐसा कोई गैप नहीं मिल रहा जो मेरा ब्रांड ब्रिज कर पाएगा वाइल बेनिफिटिंग द एनवायरमेंट. इट हैज़ टू बी सस्टेनेबल, इट हैज़ टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द एनवायरमेंट. एज ऑफ नाउ मुझे नहीं पता ये होगा भी या नहीं होगा, बट मुझे इतना ज़रूर पता है कि अगर ये होगा वैभव वुड बी द हैप्पीएस्ट, बिकॉज वैभव का काफ़ी टाइम से ये सपना था टू हैव हिज ओन बिजनेस, और अगर मेरे थ्रू ये फुलफिल हो सकता है मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा. ओके, सो दिस इज़ अ ट्रिकी वन. क्योंकि मैं बताती हूँ, जब मैं फैब इंडिया में थी एनवायरनमेंट बहुत फ्रेंडली था, सब कुछ बहुत अच्छा था, सो आई हैड वन ऑफ द बेस्ट टाइम देयर. बट व्हेन इट कम्स टू यूट्यूब द मनी इज़ लॉट मोर. एक करियर सेटिस्फैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा है, बट 24 घंटे काम करना पड़ता है. इनफैक्ट कभी कभी ना ऐसी फीलिंग आती है पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी कि अभी मेरा वो काम भी रह गया, अभी मेरा वो काम भी रह गया. सो आई डोंट नो व्हाट इज़ बेटर, मे बी टू हैव लेस मनी बट अ लॉट ऑफ टाइम, मोर मनी बट लेस टाइम. कुछ महीनों पहले मुझे एक लड़के का मैसेज आया, ही सेड दैट प्रेरणा मेरी वाइफ का बर्थडे है अगले महीने और मैं उसे सरप्राइज़ करना चाहता हूँ. वो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, वो आपके सारे वीडियोस देखती है, तो अगर आप उसे कॉल करोगे उसके बर्थडे वाले दिन उसे बहुत अच्छा लगेगा. जब मैंने ये मैसेज पढ़ा सबसे पहले तो मुझे ऐसे लगा ओ माई गॉड दिस इज़ सो स्वीट, बट आफ्टर अ वाइल आई वॉज लाइक कभी मैंने ये सोचा था ऐसा कभी होगा मेरे साथ? डेफिनेटली ऐसा कोई भी नहीं सोचता कि ऐसा भी कभी कुछ होगा. इट हैज़ बीन रिवॉर्डिंग, इट हैज़ बीन हम्बलिंग. आई थिंक आप लोगों का प्यार ही है जो सब कुछ बेहतर बना देता है. आई हैव काउंटलेस मेल्स, मैसेजेस दैट जस्ट ब्राइटन माई डे सो मच. अनएक्सपेक्टेडली बट येस, आई एम नो लॉन्गर कॉन्शियस ऑफ माई लेग्स. इनफैक्ट मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. कुछ हफ्तों पहले मैं ज़ारा से कुछ ऑर्डर कर रही थी, इट वॉज़ अ क्रॉप टॉप एंड मैंने उसको स्मॉल साइज़ में ऑर्डर करा है. जो मैंने वो पहनी थोड़ी सी वो टाइट थी, इधर से एक क्लीन फिट नहीं आ रही थी. फिर मैंने एम मंगाया, एम भी ऐसा ही आया. फिर मैंने एल मंगाया और एल मुझे बिल्कुल ठीक आया और उसमें एक बड़ी नीट फिनिश आई उसको पहनकर. यू नो एट अ पॉइंट आई वॉज लाइक ओ माई गॉड प्रेरणा, डू यू वेयर अ लार्ज साइज नाउ? But then a part of me was like, I'm fine with wearing a large size. As long as it looks good on me, main extra large bhi pehen lungi. I will no longer judge myself by the size I wear. If I look good in an XL, haan, main XL hi khareedungi.
which is the best thing that has happened this year. Yes, of course we fight. किसी के साथ आप 24 घंटे रहोगे तो लड़ाई तो होगी. It is very obvious. But the good thing is that we are at a stage in our relationship जब हमारी लड़ाई वर्स नहीं होती. जैसे थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हुआ एंड उसके बाद बोथ ऑफ अस विल कूल ऑफ एंड वी विल बी फाइन. जब होता था ना छोटी बात पर बड़ी लड़ाई बन जाए, आई थिंक दैट इज हर्टफुल, इट पेन्स. और वो हमारे रिलेशनशिप के इनिशियल ईयर्स में होता था. सो आई थिंक विद टाइम ऐसा हुआ है कि फाइट और आर्ग्यूमेंट तो अब भी होते हैं बट वो स्नोबॉल नहीं होते इनटू समथिंग बिग. आई थिंक एज ऑफ नाउ तो हम ऐसे स्टेज पर नहीं पहुँचे हैं वेयर वी आर स्ट्रगलिंग टू कीप द स्पार्क अलाइव. इनफैक्ट अभी हम ऐसे स्टेज पर हैं वेयर इन आर पर्सनैलिटीज हैव स्टार्टेड एक्सचेंजिंग. मुझे एक बार ये मेरे बॉस ने बताया था काफ़ी सालों पहले और तब मुझे बिलीव नहीं हुआ था. बट येस, वेन यू लिव विद अ पर्सन 24/7 आपकी पर्सनैलिटीज एक्सचेंज होने लगती है. अब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं विच वैभव डज एंड मैं कहती हूँ वैभव क्या मैं पहले ऐसे थी? ओ माई गॉड, इट्स सो क्रिंजी. एंड सेम गोज फॉर मी, लाइक देर आर सो मेनी हैबिट्स from Vaibhav that I have picked. So, जब हम ये छोटी छोटी similarities observe करते हैं तो हम खुश होते हैं and I think that is keeping the spark alive. Let me know, does this happen with you guys also? अभी एक दो दिन पहले हम जब भी मेट देख रहे थे, yes, I know, वैभव ने randomly Netflix पर लगा दी, he does this thing. अभी एक हफ्ता पहले हम कभी खुशी कभी गम भी देख रहे थे. So, जब मैं देख रही थी, काफ़ी सारी चीज़ें तो मुझे क्रिंजी लगी क्योंकि 2007 के बाद अभी 2021 में काफ़ी सारी चीज़ें और लग रही थी मूवी की. बट एक चीज़ जिसने काफ़ी रेजोनेट किया मेरे साथ जो तब नहीं किया था, दैट वाज कि जब शाहिद कपूर आयुष्मान को कन्फ्रंट करने जाता है कि गीत कहाँ है, आई एम लुकिंग फॉर हर, तो आयुष्मान कहता है मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मैंने उसे नहीं कहा था घर से भाग कर आओ, उसमें बचपना है, वो ऐसे ही करती है, एंड ही वाज क्रिटिसाइजिंग हर अ लॉट. नाउ शाहिद ऑन द अदर हैंड उसको एग्जैक्टली यही चीज़ें जिनको आयुष्मान क्रिटिसाइज़ कर रहा था उसकी एंडियरिंग लगती हैं, उसको वही चीज़ें उसके बारे में सबसे ज़्यादा पसंद हैं. एंड दिस रिमाइंडेड मी सो मच ऑफ सम ऑफ द ऑफुल टाइम्स आई हैव हैड विद सम गाइज, जो मेरे बात करने के तरीके का मजाक उड़ाते थे या फिर मुझे चाइल्डिश बोलते थे, you know. And now that I'm with Vaibhav, he appreciates me for exactly those things. He likes my childish innocence. So it's like when I say you wait for the right guy, he'll appreciate you for exactly who you are. I mean it because I've seen this happen. And I hope it happens for you too. I had a saving of a couple of lakhs when I started this channel. एंड टू टेल यू द ट्रूथ, मैं इतना ज़्यादा डरी हुई नहीं थी अबाउट मनी क्योंकि एक चीज़ जो मुझे लाइफ ने सिखाई है फ्रॉम माई फादर्स डेथ, दैट इज़ कि कुछ बड़ा करने के लिए आपको खूब सारे पैसों की ज़रूरत नहीं है. लाइक व्हेन माई फादर पास्ड अवे, ही डाइड ऑफ कैंसर, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था. लाइक माई मदर, शी वॉज अ स्कूल टीचर एंड यू नो हाउ लिमिटेड द सैलरी इज़, बट शी फेड अस वेल. मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि देर इज़ समथिंग वी आर मिसिंग आउट ऑन. हाँ, पहले कार में ट्रैवल करते थे, अब बस में करते हैं. हाँ, पहले हर शाम को डेरी मिल्क खाते थे, अब कभी कभी खाते हैं. वेरी वेरी ट्रिवियल एंड अनइम्पॉर्टेंट. सो मुझे पता था कि इफ़ आई वॉन्ट टू मेक समथिंग बिग, मैं इतने में भी कर लूँगी. अनदर गुड थिंग दैट आई हैड गोइंग फॉर मी वॉज दैट I didn't have the pressure to put food on the table. Vaibhav was always there to fund the bills. So मेरे लिए वो एक cushion था जिस वजह से मैं कर पाई. बाकी जब भी मुझे ऐसा लगता था कि मेरे कपड़े कम पड़ रहे हैं, मुझे कुछ नया खरीदना पड़ेगा, मैं कुछ रीस्टाइलिंग कर लेती थी. मम्मी की पुरानी साड़ियाँ यूज़ कर करके मैंने सारी स्टाइलिंग करी है. सो देर आर सो मेनी वेज इन विच यू कैन गेट क्रिएटिव. मुझे ऐसा लगता है कि वेन इट कम्स टू स्टार्टिंग दिस यूट्यूब चैनल,
कि जब से मैंने डिसीजन लिया है देर हैज़ बीन लाइक अ पावर जिसने मुझे गाइड करा है. वो बस पावर ये चाहती थी कि मैं डिसीजन लूँ, और एक बार मैंने डिसीजन ले लिया हर चीज़ बस अपने आप होती गई. सो आई थिंक कई बार लाइफ में ऐसा ही होता है, भगवान बस वेट कर रहे होते हैं, वो जज कर रहे होते हैं कि हमारी कमिटमेंट कितनी है. चाहे आगे का रास्ता इतना मुश्किल ना हो, वो डिसीजन लेना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, और एक बार हम वो ले लेते हैं तो भगवान आगे सब ठीक कर देते हैं.